रूपी नाम की ये दो किताबें जिसके आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई। मैं दोबारा बोल दूं क्या, इन्होंने जो किताबें लिखी उसके आधार पे आरबीआई की स्थापना करी गई। कैन यू इमेजिन, भारत के सबसे निचले पायदान से आया एक यंग लड़का जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, आज उसकी बुद्धि पे आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना भी की जाएगी। इनकी ज्ञान बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स दोनों मानते थे। 1947 में भारत आजाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर के आए। जब नेहरू जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेके पहुंचे और बताया कि देखो इनको मैं ले, तो तभी गांधी ने पूछा इसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का नाम कहां है। और वहीं थोड़ी उनकी बहस हुई और गांधी ने बोला कि नेहरू ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये आजाद भारत की कैबिनेट है। तभी उनको कानून मंत्री के रूप में लिया गया और न केवल कानून मंत्री बल्कि तुरंत जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। इनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे असहमत थे दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। बहरहाल मन तो है कि मैं घंटों तक इनके विषय में बात करूं, एक्चुअली मन भरता नहीं है इनके विषय में बात करते हुए। बुद्धिमान व्यक्ति आगे चल के इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए बड़े कानूनों के अंदर कई बदलाव लाए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते थे उनके लिए कि देश में कमजोर हिस्से को उठाना देश के हर लीडर की जिम्मेदारी। एक हम ध्यान दीजिए, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो जाति धर्म के आधार पे हो, कमजोर हिस्से को आगे बढ़ाना सपोर्ट करना तभी देश आगे चलेगा। खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। ध्यान दीजिए, पूरे देश में खुशहाली आएगी तभी फायदा सबका होगा। इनकी भाषा में, इनके भाषण में, इनकी चर्चा में, इनके आचरण में, इनकी किताबों में और ड्राफ्टिंग कमिटी में चेयरमैन होते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में सहनशीलता लगातार दिखती रही। अहिंसा परमो धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। आत्मवत सर्वभूतेषु, भागवत में बताया गया है कि बौद्ध धर्म में आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। ये जो समान दृष्टि देने का उन्होंने प्रयास किया, ये उसके बाद ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने चले गए। आखिरी तक काम प्रेम से करते रहे, किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। आपके लिए क्या मैसेज है इसमें, एक मैसेज लेके जाइए, एजुकेशन इज द टूल। पूरी जिंदगी में सबसे निचले कमजोर तबके को उन्होंने उस एजुकेशन के बल पे तो खड़ा किया। ये लगातार जो पढ़ते रहे लोग इनके सामने चुप, इनकी एजुकेशन के चलते तो हो जाते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आगे चल के इनको नंबर वन स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया, देश ने इनको भारत रत्न दिया। एक बात समझ लीजिए, इनके बराबर लीडर पृथ्वी में गिनती की होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। लर्निंग क्या है, एजुकेशन इज द टूल। एंटरटेनमेंट के तो बहुत चैनल होंगे यूट्यूब पे, पर मैंने एजुकेशन का चैनल बनाया है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इधर। और देश को भीमराव रामजी अंबेडकर के विषय में एजुकेट करना, उनके संघर्ष के बारे में बताना, मेरी आपकी पूरे देश की जिम्मेदारी है। बताइए तो सही लोगों को कैसे संघर्ष से उठ के खड़े हुए।